सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय क्रिकेट टीम को पहले टी20 मुकाबले में कंगारुओं के खिलाफ जीतता हुआ देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दो मैचों की टी20 सीरीज का आरंभ अब जल्दी ही होने वाला है। आपको बता दें कि भारत का दौरा करने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत पहुंच चुकी है और 24 फरवरी से दोनों ही टीमों के बीच में दो मैचों की इस टी20 सीरीज की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि सीरीज का पहला मुकाबला बेंगलोर खेला जाएगा तो वहीं दूसरा मुकाबला 27 फरवरी को विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है। साथ ही हाल ही में जिस तरीके के हालात भारत देश में रहे उसके बाद यही अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद इस सीरीज को थोड़े दिनों के लिए टाल दिया जा सकता है, परंतु ऐसा नहीं हुआ है और अब यह सीरीज अपने निर्धारित समय व तारीख के साथ ही शुरू होगी। लेकिन दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होने वाली इस टी20 सीरीज के पहले ही मुकाबले के लिए ऋषभ पंत के लिए एक बेहतरीन खुशखबरी सामने आ रही है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब टी20 क्रिकेट की बात आती है तो सबसे पहले नाम धुआंधार खिलाड़ियों का ही सबके सामने आता है और यह बात तो हम सभी जानते हैं कि ऋषभ पंत एक धुआंधार बल्लेबाज है। फिर चाहे बात किसी भी फॉर्मेट की करी जाए, मैदान पर आते ही ऋषभ पंत बड़े शॉट्स लगाना पसंद करते हैं, इसीलिए शायद उन्हें टी20 का स्पेशलिस्ट भी माना जाता है। और इस बात में तो कोई शक नहीं कि पिछले कुछ समय से सभी तीनों फॉर्मेट में ऋषभ पंत जोरदार प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं। लेकिन ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को लेकर हमेशा से ही चयनकर्ताओं के मन में एक चिंता का विषय भी रहा है। दोस्तों, ऋषभ पंत एक धुआंधार बल्लेबाज है और वह जिस भी नंबर पर आकर बल्लेबाजी करते हैं वह हमेशा से ही बड़े शॉट्स लगाते हैं लेकिन एक छोटी पारी ही खेल पाते हैं। चाहे बात करी जाए उन्हें चौथे नंबर पर भेजने की या फिर छठे नंबर पर, ऋषभ पंत अपनी धमाकेदार पारी से भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत तो दिलाते हैं परंतु फिर वह ज्यादा समय तक क्रीज पर टिक नहीं पाते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय टीम के चयनकर्ता व कप्तान विराट कोहली उन्हें ओपनिंग करने का मौका दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसा ही ठीक पहले रोहित शर्मा के साथ भी हुआ था। रोहित शर्मा पहले भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर में खेलते थे लेकिन वहां पर वह उतने ज्यादा सक्षम होकर बल्लेबाजी नहीं कर पाते थे, जिसके बाद फिर कप्तान धोनी ने उन्हें ओपनिंग करने का मौका दिया और आज रोहित शर्मा एक अलग ही रूप में भारतीय टीम के लिए उभरे हैं। और अब ठीक वैसा ही ऋषभ पंत के साथ भी हो सकता है। ऋषभ पंत एक धुआंधार बल्लेबाज हैं और अपनी विस्फोटक पारियों से वह भारतीय टीम के लिए ओपनिंग करके टीम को एक अच्छी शुरुआत दिला सकते हैं। और इन्हीं बड़ी बातों को ध्यान में रखते हुए अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले इस टी20 सीरीज के पहले ही मुकाबले में आप सभी को ऋषभ पंत ओपनिंग करते हुए भी दिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस खबर के साथ आपको यह भी बता दें कि सुरेश रैना के लिए भी एक बेहतरीन खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि हाल ही में टीम से बाहर चल रहे सुरेश रैना फिलहाल घरेलू टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल रहे हैं, जहां हाल ही में उन्होंने अपने पूरे करियर में 300 छक्के मारकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, पूरे विश्व में ऐसे बेहद ही कम क्रिकेटर हैं जिनके नाम अपने क्रिकेट करियर में इतने ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड है, लेकिन अब सुरेश रैना भी उनमें से एक बन गए हैं जिन्होंने भारतीय टीम का नाम और भी ऊंचा कर दिया है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या सुरेश रैना को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली इस वनडे और टी20 सीरीज में खेलने का मौका देना चाहिए या फिर नहीं, इस बात का जवाब हमें कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलिएगा। साथ ही ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।